नमस्कार, ग्लोबल हेराल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कृतिका जैन और आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा खबरों की ओर। देश में एक ओर जहां गर्मा गर्मी और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अशोकनगर जिले के मुंगावली तहसील स्थित सनटॉप कॉन्वेंट स्कूल द्वारा एक अच्छी पहल, जिसको कहा जाए वह सर्वधर्म समारोह का आयोजन कर की गई, जिसमें सभी धर्म के अनुयायियों, सर्वधर्म के गुरुओं को फूल माला और उपहार से सम्मानित किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। इस दौरान सभी धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म के बारे में लोगों को बताया और कहा कि किसी का भी धर्म यह नहीं कहता है कि आप किसी के साथ बुरा करो या गलत करो। हर धर्म सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख देता है और लोगों को सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व हमारे देश के भाईचारे और अखंडता को खंडित करने की कोशिश करते रहते हैं। हमें उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने देश की अखंडता, एकता और भाईचारे को बनाए रखना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम में स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने धार्मिक, सांस्कृतिक और नाटकीय प्रोग्राम की शानदार प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। तो वहीं कुछ बच्चों ने टी स्टॉल और चाट स्टॉल लगाकर प्रोग्राम को मेले का स्वरूप भी दिया। प्रोग्राम में विशिष्ट अतिथि के रूप में फाजिल मोहम्मद एडवोकेट एवं नीरज गोस्वामी एडवोकेट रहे। अभी की खबरों फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए ग्लोबल हेराल्ड न्यूज के साथ। धन्यवाद।